एक्सेलेरेटर है, ट्रेनिंग हेड आसिफा आफ्ताब मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल हमजर्ट यूनिवर्सिटी के विजिटिंग लेक्चरर हैं। आप सबकी तालीम में मैं खुशामदीद कहना चाहूंगी सरमदस्सर अहमद को। सबसे पहले तो मैं सर शाहिद और नॉलेज वाइज स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिस फोरम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू प्रेजेंट माई सेल्फ ओवर हेयर बिकॉज देर आर अ मिक्स एंड मैच ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस पीपल कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पीपल कमिंग फ्रॉम एकेडमिया people are coming from the other industries as well and we are messing together. तो अब तक जो स्पीचेज हुई हैं जो मुझे थोड़ा सा गैप अपने अंदर महसूस होता है एज अ टीचर उसको मैं फिल इन ही इसी तरह के सोशल इवेंट से करता हूँ। आई एम अ टीचर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एट हमदर्द यूनिवर्सिटी। प्रीवियसली आई हैव वर्क्ड विद कैस्पिट फॉर सिक्स लॉन्ग ईयर्स। आई ऑल्सो वर्क एज अ टीचर फॉर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज फॉर आईटेक स्टूडेंट्स। But before that, I was working for my own school, the name mentioned by the ma'am, Asifa Aftab Memorial Secondary School. Back in 1996, I started working there. It was a run of the mill and we had a the institute was running by my family. So I started that career. So always I felt like that this is something that should be done after training. So back in 2010, I had a privilege to join Access English Micro Scholarship Program. This is the most prestigious program by US Consulate where the most prominent part for me ke hame American US Consulate ke mukhtalif program mein train kiya gaya. Aur jab train kiya gaya to ye pata chala ke collaborative learning kya hai, टीचर्स ट्रेनिंग की कितनी अहमियत है, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग क्या है, सामने वाले को विजन को समझना कितना ज़रूरी है। जब आप स्टूडेंट से 20 साल उम्र में बड़े हों तो आपके पास एज ए टीचर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 20 साल पीछे जा सकें। उसके लिए कैपेसिटी कैसे बिल्ड होगी कि जब आप स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं वो करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा टूल है जो मेरे कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ट्रेनिंग में काम देता है वो सोशल मीडिया है। मैं सोशल मीडिया के जरिए जो यूथ जिन चीज़ों में इंकल्केट किया हुआ है उसने उसके जो पॉजिटिव्स हैं उसको उनके सामने हाईलाइट करता हूँ और अपने सामने उसको टर्न कर देता हूँ। जो मशहूर ज़माना शेर है कि अपने हिस्से के कुछ चराग जला के जाते, तो इस वक्त ये चराग अगर आप कहीं जला सकते हैं तो वो सोशल मीडिया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूथ हैज ऑलरेडी बीन देयर एंड दे वांट टू डू समथिंग। एक बहुत बड़े फलसफे उनका मैंने जब एक कोर्ट सुना कि भाई ये टेक्नोलॉजी को हमें एज अ रिलीजन अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ये कोर्ट मैंने सुना था 2009 में और या मकबूल जान उनका एक कोर्ट मैंने उस वक्त सुना था तो जरा उनको रेस्पेक्ट देते थे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और ये किस पैराए में इसकी। और आज 12 साल गुजरते हैं ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई कि हमारे तमाम हीरोज भी और हमारे तमाम विलन्स भी सोशल मीडिया से आए। तो बी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड माई यूनिवर्सिटी प्लस नाउ प्रिंसिपल इन गुड शेप एट माई स्कूल आसपास का मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल जिसका मैंने जिक्र किया जिसको मैं 96 से हेड कर रहा हूँ। अब वहाँ पर मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठता हूँ तो जैसे हमारे कंटेम्प्रेरी हैं मैम बैरिया में पढ़ा रहे हैं जैसे उन्होंने जिक्र किया कि 7 सीज का जो प्रिंसिपल है कंसीडरेशन पुट योर फीट इन टू द शू ऑफ योर ऑडियंस बीइंग ऑडियंस सेंटर्ड नाउ आई एम बेटर ऑडियंस सेंटर्ड। और 40 प्लस में हूँ मैं लेकिन मेरा ख्याल है शायद टीचर्स के लिए कहा गया है कि उनको अपने दिल के साथ सोच को जवान रखना पड़ेगा तब जाके वो यूथ को इन्फ्लुएंस कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लुएंस है उसका पता इस तरह चलता है कि कभी कोई क्लास लेके जाते हैं तो 10-12 फ्रेंड टू रिक्वेस्ट आ जाती हैं। उसके नेगेटिव भी हैं प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं कि वो ग्रेडिंग का सिस्टम होता है हमारी यूनिवर्सिटी में भी ग्रेड्स हमारे हाथ में होते हैं लेकिन हमें तो पॉजिटिव साइड की तलाश करनी है ना उसकी। तो आपने अगर इन्फ्लुएंस करना है तो आपने इस तरह के अवार्ड में जब मैं आया वहाँ मुझे यही बात करनी थी सर ने बिल्कुल सही कहा। सर मुझे सबसे पहले तो आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई इसलिए मुझे आज आपसे मिलने का मौका मिला।
वॉइस ओवर ट्रेनिंग इस बार हमारी फील्ड की जो कम्युनिकेशन की है, पहले मैं ज्यादातर ट्रेनिंग नॉन वर्बल पैरा लैंग्वेज पे दे रहा था, अभी मैंने सब साइड पे कर दिया। मैंने कहा भाई वॉइस की बात करो, आने वाली दुनिया वॉइस की है, तो सर फाइनेंशियल आप पर आता भी रहेगा, स्टूडेंट रेफरल तो समझे पंच पक्के होंगे। वॉइस ओवर ट्रेनिंग हर चीज में चाहिए होगी, गेमिफिकेशन है, एप्स बन रही हैं, वी नीड वॉइसेस और वी शुड नो कि किस तरह आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपनी क्लास में सर होता हूँ तो वो दोनों नूरजहां और लता का हवाला देता हूँ कि दोनों ने जो अपने इनिशियल गाने गाए उसमें उन्होंने बता दिया था कि मेरी आवाज भी पहचान है और नूरजहां ने गाएगी दुनिया। तो फेस इज हार्ड फॉर फॉरगेटिंग, चेहरे भूलने के लिए होते हैं और आवाज़ें याद। तो इस तरह की जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है उसको हम अपनी यूनिवर्सिटीज में स्कूल में इम्पार्ट करें। इस फोरम पे मौजूद होने का मकसद भी यह है कि मैं यहाँ से जो पॉजिटिव लोग हैं उनको अपने स्कूल ले जाऊँ। मेरा ख्याल है ये गलत भी नहीं है कि अपना सोशल इन्फ्लुएंस एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मैम ने कहा टीचर्स का होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन का मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने देखा जितने भी रेवोल्यूशन आए, जितनी भी चीज़ें आई, उन सबका आवाज़ किसी स्ट्रीट से नहीं हुआ बल्कि यूनिवर्सिटी क्लासरूम से हुआ, स्कूल क्लासरूम से हुआ, कॉलेज क्लासरूम से हुआ। आज का जो मैम आप लोगों का मिक्स एंड मैच है सारे प्रेजेंटर का, मैं 5-6 दफ़ा उनको अपने स्क्रॉल करके मैंने देखा। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अमंग ऑल ऑफ यू सर। यू जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आप बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, और जो सीनियर्स हैं और खासतौर पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो सीनियर्स होते हैं हमारी टीम के, मैंने ज़रूर ये कोशिश की जब मैंने कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ज्वाइन की, मैंने कहा ये गैप नहीं होना चाहिए कि वो ट्रेनर कहेंगे टीचर कुछ नहीं और टीचर कहेंगे ट्रेनर कुछ नहीं। हम ट्रेनर को कुछ तो प्रोडक्ट तैयार करके दें ताकि जब ये अपनी कंपनी में जाएँ तो इनको इन्फ्लुएंस करना आता हो, ना कि सॉफ्ट स्किल के नाम पे दोबारा से कम्युनिकेशन शुरू हो। सर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ, और इस वक्त सब तक जितने प्रेजेंटर आए हैं सब बहुत ज़्यादा काबिलियत भी हैं, और मेरे लिए हमारी मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो बुक होती है हर जगह खुली होती है सोशल रिसर्च वाली, जिसको जाके हम फिर क्लासरूम में इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, किताबें तो बंदी होती हैं फिर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो मैं अपनी फ्रेटर्निटी के जो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के लोग हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपके वीडियोज आप लोगों की चीज़ें फॉलो करते हैं, उससे सीखते हैं, क्लासरूम में इम्पार्ट करते हैं। अल्लाह ताला इस फोरम को कितना बड़ा करेंगे जब इसकी डायरेक्टरी मैम आप लोगों की बने, तो 100 की जो इतनी मोटी डायरेक्टरी है और हम सब उससे फ़ायदा उठा रहे हों, हम सब उससे कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये हिम्मत ताकत हमेशा कराची वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर और शाहिद साहब को ये हमेशा ऑनर दे। और हम सब मैं आइंदा भी आता रहूँगा सर, आइंदा भी यहाँ पे बैठे, क्योंकि हमारे तो सोशल रिसर्च भी हो रही होती है, हमारी क्लास का भी काम हो रहा है और हमारा लेसन प्लान भी तैयार हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज बीइंग देयर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि आप लोगों से हमें बहुत सीखने को मिल रहा है। माशाल्लाह आप हमारे भी सीनियर्स हैं, हम तो अभी स्टूडेंट लेवल पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन